गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और सावन सोमवार की सबको हार्दिक बधाई। और कहते हैं भोले बाबा हमारे बहुत ही भोले होते हैं, अगर हम उसको सावन के दिनों में और हमेशा भी अगर सच्चे दिल से कुछ मांगे और पूजा पाठ करें तो वो हमें ज़रूर देते हैं। तो आप लोग दिल से पूजा पाठ कीजिएगा, व्रत रखिएगा, क्योंकि पूजा पाठ तो मैं भी करूँगी लेकिन व्रत नहीं रखूँगी इस बार। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है इसलिए से मैं इस बार व्रत नहीं रख रही हूँ। और यहाँ आज दिन सोमवार ही है और आज मैं सुबह के सारे काम निपटा रही हूँ फटाफट, और उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। और आज पूजा तो डेली करते हैं लेकिन आज फिर भी भगवान जी को मनाने के लिए अच्छे से करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और सावन की सबको ढेरों बधाई है। और आज है दिन सोमवार ही है आज भी, और सावन सोमवार पहला सोमवार है सावन का, तो आज सबके घरों में पूजा पाठ चल रही होगी और व्रत वगैरह रखेंगे। लेकिन मैं इस बार व्रत नहीं रख रही हूँ, हर बार रखती हूँ लेकिन इस बार नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इसलिए मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है। तो इस बार मैं अगले साल से फिर से रखूँगी। तो आप जो भी रख रहे हो आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ, और भगवान जी आप लोगों की हर मनोकामना पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। कहते हैं भोले बाबा बहुत भोले होते हैं, उनको मनाना बहुत ही आसान होता है, तो ज़रूर भगवान जी इस बार भोले बाबा आप लोगों की मनोकामना पूरी करे, यही दुआ दूँगी। और मुझे आप लोगों से यही बात करनी है आज कि मैंने, आप लोग तो जानते हो कि मेरा लास्ट मंथ चल रहा है और मेरी हालत थोड़ी ठीक नहीं है और सीजर होने वाला है, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी ऐसा क्या करूं कि थोड़ा खुद भी मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। और यूट्यूब पे भी मुझे आया भी 2 महीने ही हुए हैं, तो इसमें भी मेरे अभी 600 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, 100-150 के करीब में। तो मैंने मीशो का एक रेफर कोड अपने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि जो भी मीशो से ख़रीदते हो, आप में से जो फ्रेंड्स भी मेरे मीशो से ख़रीदते हैं, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस बार मेरे उस रेफर कोड से, उस लिंक से आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदिएगा, क्योंकि सावन आ रहा है और सावन मतलब चल रहा है, रक्षाबंधन आ रही है, तो रक्षाबंधन पे हर कोई कुछ ना कुछ ख़रीदता है अपने लिए, और जो हमारे ब्रदर्स है वो अपनी बहनों के लिए। तो इस बार इस बहन के लिए आप लोग इतनी हेल्प ज़रूर कीजिएगा इस रक्षाबंधन की, उन वो लिंक से आप लोग ज़रूर ख़रीदिएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि आप लोगों की थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सी हेल्प मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर देगी। मैं लाखों या करोड़ों नहीं कह रही, हज़ारों नहीं कह रही, मैं कह रही अगर आप 100 में से अगर 10 लोग भी खरीदते हैं और अगर मेरे पास 1000 भी हो जाए, 1000 रुपये भी इकट्ठे हो गए, तो सोचो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है 1000 रुपये भी ये करना। तो आप लोग मेरी प्लीज़ ज़रूर हेल्प कीजिएगा उस कोड से, रेफर कोड से आप ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा और मेरी थोड़ी सी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। यही मैंने कल भी बताया था कल के वीडियो में, लेकिन वो शायद लास्ट में मैंने बताया था इसलिए कोई वहाँ तक देख ही नहीं पाया होगा, किसी ने देखा ही नहीं रेफर कोड मेरा। मैंने सोचा आज मैं पहले ही बता दूंगी आप लोगों को, ताकि आप में से अगर कोई भी कुछ ख़रीदना चाहे तो ज़रूर खरीदे और मेरी हेल्प करे। तो चलिए आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, यही बताना है, बाकी थोड़ा बहुत ही बनाया है तो वही मैं ऐड कर देती हूँ। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस समय मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ, और आप लोगों के वीडियो पे भी बहुत कम आने लगी हूँ, तो इसके लिए बुरा मत मानिएगा कि हमारे वीडियो पे नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी मेरी तबीयत की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सभी कारणों की वजह से मैं टाइम नहीं किसी को ज़्यादा दे पा रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और ये ना, ये वीडियो मेरा कल का है, संडे का है, मतलब सोमवार आज अपलोड कर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज दिन सोमवार ही है। तो मेरे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं था,
तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, मैं सिर्फ दाल रखी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दाल पापड़े बना लूँ, तो बस वही मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने आटा मान के रख दिया था, उसके बाद इनकी लोइया बना ली, मतलब बाटिया जैसे, और इनको हम गर्म पानी में डाल के पहले तो पका लेंगे, अच्छे से उबाल लेंगे, उसके बाद ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैंने दाल छोंक दी है, तो दाल में डालने के लिए कुछ भी नहीं था, तो जीरा और ये लाल मिर्च ही मैं इनका ही तड़का लगा दे रही हूँ, और ये भी चले गए हैं, तो थोड़ी सी समस्या हो रही है इस समय, इसलिए मैंने सोचा दाल ही बना लूँ, दाल से ही काम, थोड़ी सी दाल रखी हुई है तो वही बना ली है मैंने आज। और चावल ख़त्म हो गए थे, रोटी खाने का मन नहीं था, तो मैंने ये बाटी बना ली, दाल बाफले कहते हैं, तो इनको कट करने के बाद बस इनको फ्राई कर लेंगे, और अच्छी लगती है अगर बहुत अच्छे से बनाओ, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास उतने आइटम नहीं थे दाल में डालने के लिए और अच्छे से बनाने के लिए, तो ऐसे ही बना ली मैंने सिंपल। चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और मिलती हूँ कल अच्छे नए वीडियो ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और कुछ नहीं, जो मैंने लिंक दिया है उस पर एक बार प्लीज़ गौर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर दीजिएगा, अगर हेल्प कर दोगे थोड़ी सी, तो किसी की हेल्प करने से कुछ नहीं होता है, दुआएं मिलती है, मेरी आप लोगों को बहुत दुआ मिलेगी, मेरे बच्चे के लिए मैं सब कर रही हूँ, तो आप लोगों से हेल्प भी मैं बाबू के लिए ही मांग रही हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा हेल्प, ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा उस लिंक से, और सबका दिल से धन्यवाद, जो हेल्प करे उसका भी और जो ना करे उसका भी। वीडियो ज़रूर देखिएगा लेकिन, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।